हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राखी लांबा, ये नारा बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त दिया था। उस वक्त जनता ने कांग्रेस से सभी उम्मीदें छोड़कर बीजेपी से अपनी उम्मीदें जोड़ ली थी और जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाते हुए भाजपा की सरकार बनाई, क्योंकि जनता कांग्रेस के 60 सालों से त्रस्त हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी की नीति रही है अटकाना, लटकाना और भटकाना। कांग्रेस ने लगभग 60 सालों तक शासन किया, लेकिन उसने परियोजनाओं का शिलान्यास कर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। कांग्रेस ने शिलान्यास के लिए पत्थर तो लगा दिए, लेकिन सैकड़ों परियोजनाओं को अधर में छोड़ दिया या फिर उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ। आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो करीब 400 ऐसी योजनाएं थी जिनको कांग्रेस ने शिलान्यास कर छोड़ दिया। देश की कई परियोजनाओं में कांग्रेस ने घोटालों को खूब अंजाम दिया और कमीशन का खूब खेल खेला है। प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में ऐसे कई परियोजनाओं का काम पूरा कराया जिन्हें कांग्रेस ने अधर में छोड़ा था। इससे एक तो इन परियोजनाओं का लाभ देश को कभी नहीं मिला, उल्टा इनकी लागत और भी ज्यादा बढ़ती चली गई थी। कांग्रेस 60 सालों तक देश को लूटती रही, हर परियोजना हर डील में दलाली और कमीशन का खेल लगातार चलता रहा और गांधी परिवार अपनी तिजोरी भरता रहा और विकास के नाम पर शिलान्यास कर लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने का काम करता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दशक से भी ज्यादा समय से लटकी परियोजनाओं का काम पूरा करा रहे हैं। एक नजर उन परियोजनाओं पर डालते हैं जो कांग्रेस के राज में वर्षों से अटकी पड़ी थी, लेकिन मोदी राज में उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है और राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल बाद अटल टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनाई गई अटल सुरंग का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस टनल को बनाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 26 मई 2002 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस परियोजना को लटकाए रखा। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस पर तेजी से कार्य किया गया और इसे पूरा भी किया गया। इस टनल का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। इस मौके पर पीएम ने कहा था, 2014 तक इस टनल का सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक ही हो पाया था। इस प्रोजेक्ट की 2014 के पहले जो स्पीड थी उसके मुताबिक ये टनल 2040 में पूरी होती। देश के विकास के लिए प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाई गई। 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा किया है। इस तरह के प्रोजेक्ट में देरी से देश का नुकसान होता है। कनेक्टिविटी से देश के विकास का सीधा संबंध होता है, खासतौर पर बॉर्डर एरिया से कनेक्टिविटी सीमा सुरक्षा से जुड़ी होती है और इन्हीं में से एक है सरदार सरोवर बांध, जिसकी बाधाओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने दूर कराया और 38 सालों से लटकी परियोजना का काम पूरा कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2017 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर सरदार सरोवर बांध देश को समर्पित किया। इस बांध को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को एक लाइफ लाइन माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि देश के सबसे ऊंचे बांध को बनने में 56 साल लगे, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री ने इसे पूरा करने की समय सीमा तय की और देश को सौंप भी दिया। इस बांध की आधारशिला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी थी। लाल फीताशाही और कांग्रेस की घोटाले की कार्य संस्कृति ने इसे प्रोजेक्ट को वर्षों तक लटकाए रखा। 1986 से 87 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय इसकी लागत 6400 करोड़ रुपए आकी गई थी, लेकिन इसकी लागत बढ़ती गई और पूरा होते होते 65,000 करोड़ रुपए तक ये आंकड़ा पहुंच गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की वजह से कैसे पैसों की बर्बादी हुई और इन परियोजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पाया। कांग्रेस सरकार की लेट लतीफी का एक अहम सबूत वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है।
वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2018 को देश को समर्पित किया। ये एक्सप्रेस वे बनने से उत्तर प्रदेश के राज्यों का सेंट्रल, पश्चिमी और दक्षिण भारत के राज्यों से सीधा संपर्क हो गया है। ये प्रोजेक्ट 2005 से 2006 में अस्तित्व में आया था, लेकिन शुरुआत से ही यूपीए सरकार की सुस्ती का शिकार हो गया। इस प्रोजेक्ट पर पूरे 10 साल तक सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार और फिर साल 2014 से 2 साल तक हरियाणा की भूपेंद्र हुड्डा सरकार कुंडली मारकर बैठी रही, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही मोदी सरकार ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया। पहले ये एक्सप्रेस वे 4 लेन का ही था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 6 लेन का बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 39 सालों से लटकी बाढ़ सागर परियोजना को भी देश को सौंप दिया है, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2018 को बाढ़ सागर परियोजना का लोकार्पण किया। इससे बिहार के रोहतास, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, गया और पटना समेत दर्जन भर जिलों में किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना का शिलान्यास 14 मई 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे लटकाए रखा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे लटकाए रखा। अगर कांग्रेसी सरकारों ने इसे पूरा करने में रुचि ली होती तो 20 साल पहले ही इलाके के किसानों को इसका लाभ मिलता। इसके अलावा भी कई परियोजनाएं थी जो कांग्रेस की देरी के कारण अधर में लटकी रही। इन परियोजनाओं के अलावा 16 साल से अटके देश के सबसे लंबे बोगीविल रेल रोड ब्रिज का पीएम ने उद्घाटन किया। 39 साल से लटकी बाढ़ गंगा सागर परियोजना को देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा। 4 दशक से अटकी सरयू नहर परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ठाणे दीवा रेल लाइन का शिलान्यास 2005 में हुआ था, लेकिन इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा करवाया। इसी तरह 31 साल बाद गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू हुआ, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 15 साल से बंद सिदरी खाद कारखाने से उत्पादन शुरू हो गया है। 23 साल बाद रामागुंडम तेलंगाना खाद कारखाना शुरू हुआ। बरौनी खाद कारखाने में 22 साल बाद उत्पादन शुरू हुआ। 32 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने असम गैस क्रेसर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। करीब 100 साल पुरानी मांग पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी की और तरंगा हिल नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस की कार्यशैली अटकाना, भटकाना और लटकाना रही है, लेकिन 2014 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू करवाया जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी थी और जिन परियोजनाओं का योगदान देश के विकास में होगा। मोदी सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो काम सरकार ने किए हैं वो खुद चीख चीख कर सरकार के काम का रिजल्ट जनता के सामने रख रहे हैं।